बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हुआ। पहले तो इस हत्या को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन जब बात खुली तो मामला कुछ और ही था, जहां पर पैसे कम देने के कारण नाती ने नाना को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने नाती को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। थाना रामनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16 सितंबर 2021 की दरमियानी रात्रि SECL के रीजनल वर्कशॉप शांति नगर के पास में SECL सिक्योरिटी गार्ड रमेश केवट उम्र 58 वर्ष का शव चार दीवारी के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला। इस गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पूछताछ प्रारंभ की गई। अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते हुए पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से यह स्पष्ट होता था कि घटना का उद्देश्य चोरी नहीं बल्कि मृतक की हत्या है। ऐसे में पुलिस के द्वारा इस बिंदु पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया कि मृतक की हत्या से किस व्यक्ति को लाभ हो सकता है। संबंध में मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में मृतक का नाती पुष्पेंद्र केवट, जो कि घटना दिनांक को मृतक के साथ सोया था, उससे भी सघन पूछताछ की गई। बयानों में विरोधाभास को देखते हुए पुलिस के द्वारा गंभीरता के साथ विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए सख्ती के साथ पूछताछ प्रारंभ की गई, जहां पर मृतक के नाती पुष्पेंद्र केवट के साथ तथ्यों को घटनास्थल पर जा करके वेरीफाई किया गया तो उसमें विरोधाभास प्रदर्शित हुआ और पुष्पेंद्र केवट ने बिंदुवार पूछताछ करने के उपरांत उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया और आरोपी के द्वारा घटनास्थल पर जाकर संपूर्ण घटनाक्रम बताया गया एवं घटना में प्रयुक्त किए गए हथियारों को भी जब्त किया गया। ये घटना क्यों हो रही है? बात वहाँ है भाई, आरोप पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ भाई, आपके चार्ज में है वो, तो आपने क्या किया? उनको यहाँ से भगा, यहाँ से हटा दिया गया है इसको। अरे वो नहीं सर बोला है, वो नहीं एक वारदात हुआ था, एक SECL के सुरक्षा कर्मी की हत्या हो गई थी, क्या खुलासा हुआ उसको? कल SECL के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हुई थी, इसमें पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करके इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर लिया है। हत्या उसके नाती ने की थी, जो पूछताछ में जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके हिसाब से उसके नाती ने पैसों के कारण, जो उसके डेथ के बाद उसको ग्रेजुटी और GPF की राशि मिलनी थी, उसके लालच में आकर के उसकी हत्या की है। सर, ये शुरुआत में ये बात आ रही थी कि कबाड़ियों ने किया, ये मामला कहाँ से सामने आया, कैसा कुछ लग रहा था शुरू में? नहीं, चूँकि शुरू में ये चीज़ें आई थी, उसका नाती घटना के समय उसके साथ था, उसके स्टेटमेंट के आधार पर ये चीज़ें क्लियर थी कि चार लोगों ने हत्या की है, और चूँकि यार्ड में चोरी हुई थी तो एक संभावना ऐसी लग रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया हो, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में लोहा उपलब्ध था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आती गई और जिसको हमने वेरीफाई किया, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, तो चीज़ें क्लियर हुई कि उसके नाती को पैसे की ज़रूरत थी, उसके नाना से उसके अच्छे संबंध नहीं थे, नाना उसको बहुत कम पैसे देता था, और कहीं ना कहीं उसके नाती को इस चीज़ की जानकारी थी कि चूँकि इकलौता मेल मेम्बर घर में वही है, तो नाना की डेथ के बाद ऑब्वियसली नौकरी उसको मिलेगी और सारे पैसे उसको मिलेंगे, तो इस लालच के कारण उसने अपने नाना की हत्या कर दी। सर, आरोपी के नाम और उसकी उम्र क्या होगी? आरोपी पुष्पेंद्र केवट है, जो करीब। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।